नमस्कार दोस्तों, जीआरएस टेक्निकल में आपका स्वागत है। लेकर मैं आ गया हूँ 26 मार्च 2019 का प्रमुख करंट अफेयर्स, जो कि सभी बड़े छोटे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। पहला प्रश्न है कि 2019 में किस देश में 5 साल सैन्य शासन के बाद पहला आम चुनाव आयोजित किया गया? तो थाईलैंड में किया गया है। थाईलैंड से जुड़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। करेंसी है थाईवर्ट, कैपिटल है बैंकॉक, पीएम है प्रयुत चैन ओचा, प्रेसिडेंट वहाँ पे होते नहीं हैं। अगला प्रश्न है कि बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो के गोविंद राज को बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि AIBA के अध्यक्ष के पद से किसने इस्तीफा दिया? तो गफूर रहीमो ने इस्तीफा दिया है। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में और AIBA का फुल फॉर्म होता है एमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, रामनाथ कोविंद कितने देशों की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो देख लीजिए आप, 3 देशों की यात्रा पर गए हैं, देख सकते हैं आप। पहला है क्रोशिया और यहाँ की कैपिटल है जगरेब, करेंसी है कोरियन कुन्ना और पीएम है अंद्रेज प्लेनकोविक। नेक्स्ट गए हैं बोलीविया, कैपिटल है सुक्री, करेंसी है बोलीवियन बोलीवियानो और पीएम है इवो मोरालेस। और नेक्स्ट है चाइल, कैपिटल है सैंटियागो और करेंसी है चाइलियन पैसो। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय क्रिकेटर ने IPL में 5000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने? तो यूपी के रहने वाले सुरेश रैना, जो कि भारतीय टीम का भी कभी अच्छा खासा प्लेयर हुआ करते थे, अभी बाहर चल रहे हैं। WEF के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो 76वें स्थान पर है। फर्स्ट पे स्वीडन है, सेकेंड पे स्विट्जरलैंड है, थर्ड पे नॉर्वे है। तो क्या समझें आप लोग कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, याद रखिएगा भारत 76वें पे है, स्वीडन नंबर 1 है। नरेश गोयल कहाँ से इस्तीफा दिए हैं? तो जेट एयरवेज से दिए हैं, एक ये एयरलाइंस कंपनी है। आज के लिए बस इतना ही, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, हंसते मुस्कुराते हुए जय हिंद, वंदे मातरम।